और आपको बता दें, अहमदाबाद के जेएमडीसी मैदान पर पाटीदार समाज की एक बहुत बड़ी रैली हो रही है, लेकिन उसके ठीक पहले इस रैली के, इस पूरे आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल ने सबसे पहले बात की IBN 7 पर। आरक्षण रैली में लोग जो इकट्ठा हुए वो देख से ही बनता है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आरक्षण रैली को मिल रहा है। हमारे साथ आरक्षण रैली जिन्होंने बुलाई है और जो आयोजक है वो हमारे साथ हैं। हार्दिक, हार्दिक स्वागत है आपका IBN 7 में। आज की रैली को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का मोमेंट रहेगा, मोमेंटम रहेगा? मोमेंट तो हो गया शुरू, कल रात से भी हो गया था, पूरे गुजरात से सब लोग आ रहे हैं और जिस प्रकार की मांग है उसी मांग पर हम बरकरार रखे, कोई अलग सी मांग तो कर ही नहीं रहे, पर सरकार पर हम तोड़ तो नहीं कर रहे, सरकार को खींचने की या गिराने की तो बात ही नहीं है। पहली बात यह कि हमारे जो आंदोलन को सही सुनता पर हमें स्वीकार किया जाए, हमारी जो मांग है वो सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं। हम पहले भी कह चुके हैं रात को 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है आतंकवादी के लिए, तो इस देश के युवाओं के लिए, भविष्य के लिए सुप्रीम अपना जो है निर्णय वो बदल सकती है, कुछ कायदे व्यवस्था बंधारण में कुछ चेंज हो सकता है, बस वही बात पर लड़ाई है, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। आज जिस तरीके से मैदान में 3 लाख से ज्यादा की से ज्यादा अभी तक लोग आ गए, अभी तो समय भी बाकी है, कितना उम्मीद है सक्सेस का, रैली का? सक्सेस तो हो गए क्योंकि 25 लाख लोग बाहर आए, तो जरूरी ये बात है कि हर एक के मुख पर, हर एक के व्यक्तित्व पर आज यही बात है कि मैं अपने हक के लिए बाहर आया हूँ। और सही बात है, आज हम एक दिन जाहिर करेंगे कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ था, पाटीदार समाज आजाद हो रहा है। तो साथ में कलेक्टर कचहरी पर कलेक्टर खुद यहाँ आके आपको मेमोरेंडम या ज्ञापन आपसे लेंगे, फिर भी आप मतलब रैली निकालेंगे वहाँ? कलेक्टर खुद आ जाए तो हमने कहाँ बुलाया उसे, खुद आ जा भाई, कोई खुद आएगा नहीं, हम जाकर देंगे। और कलेक्टर साहब है यार, बड़े साहब हैं, जैसे पूरे जिला के, उसको हम नहीं बुला सकते, हमें जाना पड़ेगा और पूरी बारात लेकर जाएंगे। क्या एक आखिरी सवाल आपसे बनता है हार्दिक की, क्या आप स्ट्रेटेजी होगी, चूंकि आज आखिरी दिन, कल विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, क्या एक सरकार पर दबाव बना, चूंकि सरकार अभी भी बात मानने को तैयार नहीं, एक दबाव बनाने की कोशिश होगी कल विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है? 12:30 बजे का इंतजार कीजिए, बाद में पता चलेगा। क्या एक नेशन मूवमेंट बनाया जाएगा? नेशन मूवमेंट तो है ही, पूरे गुजरात से और आसपास के प्रांत से भी लोग आ रहे हैं, तो उसमें नेशन मूवमेंट तो है, पर हिंदुस्तान के, उसमें गुजरात या कोई नेशन मूवमेंट नहीं होती, पूरे हिंदुस्तान की ही मूवमेंट है ये। हमारे सहयोगी जनक दवे से बात करते हुए, सबसे पहले IBN 7 पर आपने सुना हार्दिक पटेल को, जहां उन्होंने कहा कि उनकी मांगे सही हैं। इंतजार रहेगा इस रैली के शुरू होने का, इस बड़ी खबर को लेकर, जहां गुजरात में आरक्षण की मांग को लेकर अड़े पाटीदार समाज यानी कि पटेल समुदाय आज अहमदाबाद में एक बड़ी रैली कर रहा है। ये उनका अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल मंच पर पहुंच चुके हैं। हार्दिक की अगुवाई में ही आरक्षण को लेकर पाटीदार समाज रैली कर रहा है। पटेल समाज की रैली सुबह 11 बजे शुरू होगी और अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड की बात करें तो यहां पे पहले से ही लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए हैं। रैली के चलते आज अहमदाबाद में सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं। सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें GMDC ग्राउंड से, जहां पे हार्दिक पटेल मंच पर पहुंच चुके हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि 11 बजे रैली शुरू होनी है, लेकिन सुबह 6 बजे से ही कुछ ऐसी तस्वीरें थी जब यहां पे लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंच गए थे। अब तक का जो अपडेट मिल पाया था उसके लिहाज से 3 से 4 लाख लोग जो हैं वो GMDC ग्राउंड पर मौजूद थे और माना जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 20 से 25 लाख लोग पूरी संख्या में यहां पर इस रैली में पहुंच सकते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि गुजरात की सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है इतनी बड़ी संख्या में आए आंदोलनकारियों के चलते कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इसके अलावा आज सभी स्कूल कॉलेज अहमदाबाद में बंद किए गए हैं एहतियातन। और वहीं रैली से ठीक पहले पटेल समाज के नेता और रैली के अगुवा हार्दिक पटेल से बात की है IBN 7 ने। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट रात भर सुनवाई कर सकती है तो फिर गुजरात के युवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट को फैसला बदलना चाहिए। आरक्षण रैली में लोग जो इकट्ठा हुए वो देख से ही बनता है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आरक्षण रैली को मिल रहा है। हमारे साथ आरक्षण रैली जिन्होंने बुलाई है और जो आयोजक है वो हमारे साथ हैं। हार्दिक, हार्दिक स्वागत है आपका IBN 7 में। आज की रैली को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके का मोमेंट रहेगा, मोमेंटम रहेगा? मोमेंट तो हो गया शुरू, कल रात से भी हो गया था, पूरे गुजरात से सब लोग आ रहे हैं और जिस प्रकार की मांग है उसी मांग पर हम बरकरार रखे, कोई अलग सी मांग तो कर ही नहीं रहे, पर सरकार पर हम तोड़ तो नहीं कर रहे, सरकार को खींचने की या गिराने की तो बात ही नहीं है। पहली बात यह कि हमारे जो आंदोलन को सही सुनता पर हमें स्वीकार किया जाए, हमारी जो मांग है वो सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं। हम पहले भी कह चुके हैं रात को 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है आतंकवादी के लिए, तो इस देश के युवाओं के लिए, भविष्य के लिए,
सुप्रीम अपना जो है निर्णय वो बदल सकती है, कुछ कायदा व्यवस्था बंधारण में कुछ चेंज हो सकता है, बस वही बात पर लड़ाई है, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। आज जिस तरीके से मैदान में 3 लाख से ज्यादा की से ज्यादा अभी तक लोग आ गए, अभी तो समय भी बाकी है, कितना उम्मीद है सक्सेस का, रैली का? सक्सेस तो हो गए क्योंकि 25 लाख लोग बाहर आए, तो जरूरी ये बात है कि हर एक के मुख पर, हर एक के व्यक्तित्व पर आज यही बात है कि मैं अपने हक के लिए बाहर आया हूँ। और सही बात है, आज हम एक दिन जाहिर करेंगे कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ था, पार्टी तौर समाज आजाद हो रहा है। तो साथ में कलेक्टर कचहरी पर कलेक्टर खुद यहाँ के आपको मेमोरेंडम या ज्ञापन आपसे लेंगे, फिर भी आप मतलब रैली निकालेंगे वहाँ? कलेक्टर खुद आ जाए तो हमने कहाँ बुलाया उसे, खुद आ जाए भाई, कोई खुद आएगा नहीं, हम जाकर देंगे। और कलेक्टर साहब है या बड़े साहब में जैसे पूरे जिला के, उसको हमने बुला सकते, हमें जाना पड़ेगा और पूरी बारात लेकर जाएंगे। क्या एक आखिरी सवाल आपसे बनता है हार्दिक की, क्या आप स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि आज आखिरी दिन, कल विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, क्या एक सरकार पर दबाव बना, चूंकि सरकार अभी भी बात मानने को तैयार नहीं, एक दबाव बनाने की कोशिश होगी कल विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है? 12:30 बजे का इंतजार कीजिए, बाद में पता चलेगा। क्या एक नेशन मूवमेंट बनाया जाएगा? नेशन मूवमेंट तो है ही, पूरे गुजरात से और आसपास के प्रांत से भी लोग आ रहे हैं, तो उसमें नेशन मूवमेंट तो है, और हिंदुस्तान के उसमें गुजरात या कोई नेशन मूवमेंट नहीं होती, पूरे हिंदुस्तान की ही मूवमेंट है ये। बिल्कुल, तो ये थे हार्दिक जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी एक स्थानीय मूवमेंट नहीं रही, एक क्रांति के तौर पे अब एक राष्ट्रीय मूवमेंट की शक्ल ले चुकी है, और इंतजार करने को कह रहे हैं आज कुछ मन से ऐसी अनाउंसमेंट होगी, निश्चित तौर पर आंदोलन की आगे की दशा और दिशा तय होगी। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ही संवेदनशील रहा हमारे समाज में, और इस बार इसकी बड़ी गूंज सुनाई दे रही है गुजरात में। रैली में बड़ी संख्या में नौजवान पहुंचे हैं, आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं पटेल समाज के युवा, ज्यादा बता रहे हैं जनक दवे। अहमदाबाद के GMDC मैदान के लिए जो पाटीदार समुदाय के लोग हैं उन्होंने अहमदाबाद में आना शुरू कर दिया, और सब लोग यही रास्ता है जो GMDC मैदान की ओर ले जाता है। कई पाटीदार जो नेता हैं, जो स्थानीय युवा हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या अब तक हमने केवल उन नेताओं की बातें सुनी जो आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन उनके साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, आरक्षण की मांग को लेकर क्या सोचते हैं, इनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे आरक्षण को लेकर, क्या कुछ कहेंगे, आपकी क्या ये डिमांड है, वो वाजिब है कि जायज है क्या? हमारी तो एक ही डिमांड है, सब कुछ खत्म हो जाए ना तो अच्छा है, मतलब आरक्षण नहीं होना चाहिए ऐसा कह रहे हैं? आरक्षण ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आप भी युवा हैं, आप भी जुड़ रहे हैं, आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, आज हो रही है आप क्या कहते हैं? बस ये यही है ना, मत हमारे को चाहिए वरना नाबूद कर दिया जाए सारा। ये एक बात याद है, कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे, आप बताएं आप क्या कहते हैं? हमारे देश को जापान और अमेरिका से भी आगे ले जाने का है, इसलिए अनामत कर खत्म करके पूरे देश को आगे बढ़ाओ, बस ये हमारी मांग। ये आपने एक बदलाव देखा कि जो मांग शुरू हुई थी वो आरक्षण को लेकर हुई थी, एक ऐसा कहा जाता है कि साधन संपन्न समुदाय है ये और उनको आरक्षण की क्या जरूरत है, लेकिन अब ये मांग धीरे धीरे बदलती जा रही कि हमें आरक्षण नहीं अगर दिया जाता है तो देश में आरक्षण जो प्रथा है उसको वो नाबूद करें और जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है उसको ही आरक्षण, यही एक मांग के साथ अब धीरे धीरे आंदोलन का रुख बदल रहा है। अब अहमदाबाद की जगह पे आने वाले दिनों में यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से फैला जाए इसकी एक कोशिश भी की जा सकती है। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे। और अहमदाबाद में हो रही पाटीदारों की रैली में भारी भीड़ जुट गई है, मैदान में जहां देखिए वहां पर सिर्फ लोगों के सर नजर आ रहे हैं। जायजा लिया है जनक दवे ने। पाटीदार रैली को लेकर हजारों लोगों का आना अभी से शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अलग अलग जिलों से जो उनके यूनिट्स बनाए गए हैं उस यूनिट को लीड करते हुए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। जो बसेस में अलग अलग जिलों से आए थे उनको SGHV पर बसेस को रोक दिया गया, उसके बाद पैदल चलते हुए यहां से पास में आया जो GMDC मैदान है जहां पर रैली होनी है वहां पर लोग इकट्ठा होंगे। एक अंदाज के मुताबिक, जो प्रशासनिक अंदाज जो लगाया जा रहा है उसके मुताबिक 10 से 12 लाख लोग आज अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड के आसपास होंगे, हालांकि ग्राउंड में बैठने की कैपेसिटी तकरीबन 4 से 5 लाख की है, ऐसे में अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है तो उस समय किसी भी तरह की अफरा तफरी न फैले, उसको लेकर आयोजकों को अभी भी समझाया जा रहा है कि केवल उन्हीं लोग वही लोग मैदान में आए, बाकी जो लोग
और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विक्रांत यादव का, जो कि खुद जीएमडीसी मैदान पर मौजूद हैं। विक्रांत, वहां से क्या ज्यादा लोगों की भीड़ की वजह से आप देख सकते हैं कि हार्दिक पटेल यहाँ पर मंच पर खड़े हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, भारी संख्या में लोग आए हैं। गिनती जी अगर दिखा सके कि किस बिल्कुल विक्रांत, पूरी तरह से आपको सुनने की कोशिश भी हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन समझ सकते हैं कि वहां पे किस तरीके से काफी ज्यादा शोर और रैली क्योंकि शुरू होने वाली है, तो यहां पे जनता को भी, लोगों को भी संबोधित किया जा रहा है। लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। जनक दवे भी वहीं पर मौजूद हैं। जनक, सबसे पहले तो हमको ये भी बताइए कि अब तक कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं और अभी और कितने लोग आ सकते हैं इस रैली के शुरू होते होते। जनक, आपसे मेरा सवाल कि कितनी संख्या में लोग अब तक वहां पर जुटे हुए हैं और कितने ज्यादा लोग आएंगे जब तक रैली शुरू होगी, कोई अनुमान आपके पास? जी तेजस्वी, आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। बिल्कुल जनक, आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और कितने लोगों के आने की इस वक्त उम्मीद है? देखिए तेजस्वी, जो मैदान की कैपेसिटी है वो तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख के बीच के है, जो मैदान 1 घंटे पहले ही भर चुका है। अभी भी लोग सड़कों पर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अभी मैदान से तकरीबन 1.25 किलोमीटर दूर हूँ और अभी भी लोगों का आना लगातार जारी है। हाईवे पर अभी भी बहुत सारी बसेस हैं, वहां से लोग आ रहे हैं। लोग तकरीबन 25 लाख लोग, ये शायद उसके आसपास की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सकते हैं। तेजस्वी बिल्कुल जनक, यानी 25 लाख के लोगों के जुटने का जो दावा है वो हो सकता है सच, जिस तरीके से लोग यहाँ पर जुट रहे हैं, आ रहे हैं। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है जिसकी कैपेसिटी 3.5 से 4 लाख बता रहे हैं जनक। और यहाँ पे सिर्फ इस मैदान के बाहर की अगर बात करें तो किलोमीटर किलोमीटर तक आप लोगों को देख सकते हैं जिनका अभी भी आना जारी है। हाईवे पर कई बसेस है लोगों से भरी हुई जो कि इस आंदोलन में आने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। जनक, लोग आपके साथ हैं, उनसे बात करिए और जरा बताइए कि आरक्षण की मांग को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं और मुख्य रूप से कैसे वो इस मांग को देखते हैं, क्या चाहते हैं वो अपने लिए, अपने समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर लोग हैं, लोगों की क्या बात है आरक्षण को लेकर, ये हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, सरकार चूंकि बिल्कुल साफ कर चुकी है कि आरक्षण किसी भी हाल में पाटीदार समुदाय को नहीं मिल सकता, क्या सोच है आपकी, क्या मांग है? सरकार अपने जगह पर सही है, हम भी पाटीदार सभी लोग अपने जगह पर ही सही है। हमको ओबीसी में समाना ही समाना है, कुछ भी चाहे हो जाए। हम आज 25 तारीख को शांत रैली करना चाहते हैं, फिर बाद में कल देखेंगे सब आगे का क्या कार्यक्रम है, उसके ऊपर हम आगे रैली चलाएंगे। बिल्कुल, आपसे भी पूछेंगे। जिस तरीके से लोगों का हुजूम यहाँ पर है,
अपने आप में आप समझ सकती हैं कि लोग किस कदर उस रैली का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए। हर हाल में सरकार अपने स्टैंड पर भले ही वाजिब अपनी तर्क बता रही हो, लेकिन ये भी अपनी मांग पर अड़े हुए। ऐसा देखना होगा 12 बजे इस पर अनाउंसमेंट होगा मंच से कि क्या अभी आगे। जनक पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपको और साफ जरूर सुन पाए, लेकिन यहाँ पे लोगों का जोश हम सुन नहीं पा रहे। लेकिन फिलहाल सुनते हैं हार्दिक पटेल को। हर क्षेत्र में हाहाकार, पर आज अहमदाबाद में पाटीदारों की सी गर्जना हो रही है। हमने देखा है गिरनार में 465 सीहों की गर्जना होती है, वो भी डिस्कवरी चैनल पर। आज पहली बार लाखों सीहों हमें मांग रहे, अगर दोगे तो प्यार देंगे, तो फिर लेना हमें।
लेकिन आज उन लोगों को पता चल गया है कि मेरे युवा है वो सच में हिंदुस्तान की तकदीर को बदलने के लिए तैयार है और आज वही बुजुर्ग यहाँ पर कहते हैं और हमें सहकार दे रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुछ लोग इस आंदोलन को तोड़ने के लिए पूरे प्रयास में है जैसे कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी हो गई। अरे भाई हम कोई कांग्रेस या भाजपा से नहीं है, हम तो सरकार के वंशज पाटीदार का खून हम में है और भाजपा कांग्रेस चिंता का ये 10 साल के लिए रखती है, यही पाटीदार समाज आपको बरसों तक यहाँ बीच में रखेगा क्योंकि हम किसी खून के साथ गद्दारी नहीं करते, जो खून अपना है उसे तो आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई तुम्हारा आंदोलन तो कांग्रेस के द्वारा हुआ है, कुछ कांग्रेस के बोल रहे हैं भाई तुम्हारा आंदोलन बीजेपी के द्वारा हुआ है। इन दोनों पर साथ मिलकर बात करें तो बोले तो तुम लोग आम आदमी पार्टी से हो। अरे भाई हम किसी पार्टी से नहीं, हम तो पाटीदार से प्रेरित है और इस पाटीदार को लेकर इंसू पर आया नहीं सकता। हमने तो उससे कहा है क्या गुजरात के अंदर जो पाटीदार हित की बात करेगा वही पाटीदार पिछले 7 साल में पूरे हिंदुस्तान में किसी सवाल ने इस तरह से मामला कर लगियों की आवाज नहीं कही। आज के इस 25 अगस्त के दिन को अगर आप कहते हो, अगर आप चाहते हो, अगर आप जानते हो तो आज के दिन को हम पाटीदार क्रांति दिन के तरीके जांच कर सकते हैं। अच्छे नहीं के
से आंश है। अगर इन लोगों के हृदय पर, इन लोगों के दिल के पर एक भी तर का चोट आया है ना, तो उखाड़ कर फेंक देंगे सभी को। हमारे एक मित्र कहते हैं, करे भाई अपने लोग है, अपने लोग के सामने आंदोलन छेड़ दिया। हमने कहा भाई अपने लोग है, इसलिए तो छेड़ना पड़ रहा है, वरना छेड़ने ही नहीं निकलते। अपने इसलिए बाहर निकले, अपने ना होते तो किसी को बोलते भाई अपने कोई है ही नहीं, कैसे बाहर निकले। अपने हैं इसलिए हक मानने निकले, प्यार से दोगे तो ले लेंगे, वरना वरना। वोडाफोन का टावर, वोडाफोन का टावर, आवाज ओबामा तक पहुंचनी चाहिए। ओबामा बोलेगा मोदी साहब दे दो इन पटेलों को। वोडाफोन का टावर, वोडाफोन का टावर, वोडाफोन का टावर। वोडाफोन वाले भी हमारे ज्यादा प्रचार करेंगे, सालों ने हमारा भी ला लिया नाम पूरे हिंदुस्तान में। आज तक किसी समुदाय ने इस तरह से आंदोलन नहीं किया। हम सिर्फ गुजरात समेत नहीं है, याद रखो हम गुजरात में करोड़ 30 लाख है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में 27 करोड़ लोग हैं हम, और इस 27 करोड़ की ताकत बहुत ज्यादा है। कुछ लोग ने बोला भाई तुम्हारे गुजरात में तो तुम्हारा पॉलिटिकल पावर बहुत अच्छा है, मैं तो ठीक है गुजरात में देख लिया, बिहार में नहीं देखा, नीतीश कुमार हमारा है। आंध्र प्रदेश में नहीं देखा, चंद्रबाबू नायडू हमारा है। पूरे हिंदुस्तान से हमारे गुजरात में कितने एमपी है पाटीदार, 6 ही है सिर्फ 6। पूरे हिंदुस्तान से हम 117 एमपी हमारे हैं, किसी को नहीं मालूम भी है। और इन 117 की ताकत क्या है मालूम है, संसद भवन पर हमारा आंख होना चाहिए। सब लोग लड़ते आए हैं, अपने तौर से लड़ते आए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं यार इसी तरह आंदोलन नहीं सफल होगा। अरे भाई 12-13 साल का बच्चा भी आज रात को उठाकर पूछो भाई क्या चल रहा है, तो वो बोलेगा मेरे समाज के हक के लिए आरक्षण की मांग हो रही है। 60 साल के बुढ़े को पूछिए क्या चल रहा है, वो कहेगा मेरी आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए हक की लड़ाई चल रही है। किसी माँ या बहन को पूछिए, वो कहेगी मेरा भाई बेरोजगार है, उसके रोजगारी के लिए लड़ाई चल रही है। और किसी पॉलिटिशियन को पूछिए तो वो ये बोलेगा सालों कुछ पॉलिटिशियन लेकर निकले हैं। अरे भाई हम पॉलिटिशियन नहीं है, हमें नेता भी नहीं बनना। हर पाटीदार परिवार में एक नेता है, वो खुद चुनता है मैं नेता हूं, हमें किसी के द्रा भर के नहीं चलना। हमारे घर पर सरदार है, हमारे घर पर नेता है, हमारे घर पर राजनेता है, हमारे घर पर अभिनेता है। हम पर कोई नहीं है, हम खुद खुद है, हम है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी बोला 100 मीटर की दौड़ नहीं है, मैराथन है, बहुत लंबी चलानी है। शाम को नहीं आएंगे कि ले लो भाई तुम्हें ओबीसी दे दिया, आएंगे शाम को। अरे आ सकते हैं अगर हमारी शक्ति में इतना दम हो तो। अगर इतने हैं 1 करोड़ 80 लाख है, जिस दिन 1 करोड़ 80 लाख रोड पर आ गए क्रांति के मार्गों पर, उस दिन सामने से देने आएंगे हर घर पर, ले लो भाई तुम्हारा ओबीसी, ले लो भाई तुम्हारा ओबीसी। लेकिन वो शक्ति वो पावर हमें दिखाना पड़ेगा कि हम है, तुम हो, हमसे है, तुम से हो। इस हिंदुस्तान में 3 कंधों पर यह हिंदुस्तान चलता है, जवान के कंधों पर, किसान के कंधों पर और मजदूर के कंधों पर। किसान जो पूरे हिंदुस्तान को अन्न देता है, जवान जो पूरे देश की रक्षा करता है, और मजदूर जो हर एक चीज की वो मजदूरी करता है। अगर इन कंधों पर जरा सा भी दुख हुआ ना, तो चाहे आप किसी भी सत्ता पर बैठे होगे, वहां से उखाड़ फेंकोगे।
किसान की बात आती है, कुछ नेता होते हैं गद्दार इस हिंदुस्तान के, बोल लेते हैं कि किसान ने आत्मा कर दी उसका प्रॉब्लम था। भाई पिछले 10 सालों में गुजरात में 6,000 किसानों ने आत्महत्या की है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो हमारा भाई था, वो हमारा पूर्वज था। अगर उसके चोट पर अब कोई किसान आत्महत्या करेगा ना, तो पूरा गुजरात भुगतेगा, पूरा हिंदुस्तान भुगतेगा। हम अब किसानों की आत्महत्या सहन करने वाले नहीं है। अगर इस भूमि को प्यार लगाकर, प्यार कर कोई एक अन्न पैदा कर सकता है और इस देश से आजाद कर, भूमि से आजाद कर सकता है, आज उसे किसानों के मुंह पर लात मारी जाती है। वो नहीं जानते कि ये पाटीदार किसान जिस दिन दूध पौधा आसासबाजी बंद कर देगा ना, उस दिन पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति बदल देगा। मत सदा इस किसान को जिस दिन औकात पे आ गए ना, तो पूरा हिंदुस्तान अपनी औकात पर आ जाएगा, क्योंकि इस किसानों के पास ताकत है वो, कि जो पूरे हिंदुस्तान को खिलाता है, चाहे वो किसी भी समाज का हो। हम किसी व्यक्ति किसी समाज का विरोध नहीं कर रहे, ओबीसी वाले बाहर निकले हम उनका विरोध नहीं कर रहे, अच्छा चलो ठीक है निकले हमारे भाई है, हमने सभी के समाज में विकास में अपना सहयोग दिया है, उनकी राजनीति हो या पारिभाषिक पारिवारिक हो, हमने सभी जगह पर उनके विकास में एक परिवार की तरह भाई की तरह हम सहयोग दिए हैं। आज ओबीसी वाले बाहर निकले हमने विरोध नहीं किया, निकलने दो भाई, अपने भाई है उनका हक मांगने निकल रहे हैं, सही है, ये लोग सही है, हर कोई अपना हक मांगने के लिए निकलता है। इन पटेलों के अस्पताल है, कॉलेज है, स्कूल है, रोड भी कहां कहां हमने पर बना दिए हैं, गवर्नमेंट भी हमने ही बनाई है, चाहे वो स्टेट हो या दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में 117 हमारे है। तो बोल रहे कि आप हमारा विरोध कर रहे हैं, हमने आज तक किसी का विरोध नहीं किया, और वो माइक पर लाउडस्पीकर पर बोल देते हैं कि आपने सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा को छोटा किया। अरे भाई छोटा तो आप लोगों ने 1947 में कर दिया था, हम तो छोटा नहीं बहुत बड़ा करने निकले हैं। अगर उस दिन हम स्वाभिमान या अभिमानी होते ना, तो वड़ा प्रधान हम लेकर रहते, लेकिन हमने छोड़ दिया था। नहीं भाई, हम देश का विकास जानते हैं, हमारा विकास नहीं जानते हम, और इस देश के विकास में आज भी हम पछता रहे कि काश लौह पुरुष अखंड भारत के शिल्पी समस्त हिंदुस्तान के चतुर राजनेता श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते, तो आज हम बाहर ना निकलते। पूरा देश आज अफसोस कर रहा है, अफसोस से बात नहीं चलती। 180 मीटर की सरदार की प्रतिमा लगाकर राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड मजबूत करते हो, दिल में चाक कर देखो सरदार के दो भी विचार है या नहीं। सरदार ने पूरे हिंदुस्तान को एकजुट किया था, और अब आरक्षण के माध्यम पर सब समाज को एकजुट नहीं तोड़ रहे हो, और हम पटेल उन आरक्षण में शामिल होकर भाई श्री मोदी साहेब, हम आपके जो विचार है ना, सबका साथ सबका विकास, हम आरक्षण में घुसकर सबका साथ सबका विकास करेंगे। हम बाहर है जनरल में, तो एसटीएससी ओबीसी वाले को लगता होगा यार ये तो हमसे दूर है, ये तो सवर्ण है, हमें सवर्ण नहीं बनना, हमें तो सब भाइयों के साथ रहना है, सबको साथ में खाना खाना है, इसलिए हम आरक्षण मांग रहे हैं भाई। और अब क्या लड़ाई लड़ेंगे हम, गवर्नमेंट बुला रही है मिलने जाए, सबके हाथ इस तरह होने चाहिए, अगर जाना है तो इस तरह होने चाहिए, आवाज लास्ट तक पहुंच रही है,
सरकार को मिलना है, सरकार को मिलना है, सरकार को मिलना है, तो हम भी कहां गए हैं मिलने पाए। जिस दिन गवर्नमेंट स्टैंड क्लियर करेगी कि हाँ हम पटेल समुदाय को ओबीसी देने के लिए तैयार है, उस दिन आंदोलन खत्म होगा। लेकिन आप कहोगे कि भाई 2017 के बाद करेंगे, तो हम भी वही कहेंगे 2017 तक चलने दो आंदोलन, बाद में हम शांत बैठेंगे। अगर आप कहेंगे कि हम नहीं दे सकते आरक्षण, तो क्लियरिटी कीजिए, क्यों नहीं दे सकते, क्या गुनाह किया है? सिर्फ पाप के आगे पटेल लिखता है, यही हमारा गुनाह है? तो पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात के बाहर 23 प्रांतीय राज्यों में हमारे समाज को ओबीसी मिल रहा है, ऐसा भेदभाव क्यों? हिंदुस्तान को तोड़ रहे हो आप, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। सभी समाज, ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, लोहाना समाज हो, सब समाज आज पाटीदार के साथ है। क्यों? क्यों पटेल लेने निकले इसलिए? नहीं, इन सभी प्रजाति को नुकसान हो रहा है, इन सभी प्रजातियों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हम बाहर निकले हैं। वरना ये जीएम रिसर्च ग्राउंड कोई कूलिंग वाला ग्राउंड है क्या? कहीं आकर बैठ गए भाई, हवा अपने अपने हक के लिए आकर बैठे? हम तो यहाँ 3 से 8 लाख लोग बैठे हैं, अभी तो 5 लाख लोग सड़कों पर राजाशाही कर रहे हैं। हम तो सिर्फ 8 लाख लोग यहाँ पर सी गर्जना कर रहे हैं, SGI पर 2 लाख लोग बप्पर सिर की से सी गर्जना कर रहे हैं। हम तो शाकाहारी हैं, हम किसी को खा नहीं जाते, हम तो प्यार देते हैं, साथ में रखने का जुनून रखते हैं। लेकिन हम भी वही है, हम तौर तरीके जानते हैं, हम राजनीतिक जानते हैं, और पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा है कि इस 55 दिनों के अंदर इस समुदाय की शक्ति को देखो कि कोई केंद्र में से दौड़कर गुजरात चला आया। हमारे मित्र ने ऑडियो क्लिप जाहिर किया, वो बैठे यहां पर किशन भाई, हाँ, कि भाई कोई केंद्र से दौड़कर आ जाता है क्या वो हमारा बाप है? हम उसका मान ले, हमारा बाप सरदार पटेल है, गर्व से कहते हैं, आने वाले गजा सालों तक कहते रहेंगे, और वो जो अपने दिल से कहेगा और हमारे दिल पर जो आवाज आएगी वही हम करेंगे, कोई हम पर राज नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। 55 दिनों के अंदर पहुंचे ना फोई वाला मामला, हम पहले भी कह रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, करना भी नहीं जानते, क्योंकि हमने बिठाया उन लोगों को, हम विरोध ऐसे नहीं करेंगे। जिस दिन स्टैंड क्लियर हो गया कि हम नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे, उस दिन बैठे हैं ना वहां, कोई नहीं होगा इस पाटीदार के बलबूते पर। निवाला अटक गया है गले पर, निवाला अटक गया है, देना है पर दे नहीं सकते, मना करना है पर कर नहीं सकते। पता नहीं कौन सी चमड़ी के बने हैं वो लोग, हम भी वही चमड़ी के हैं, वो भी वही चमड़ी के हैं, लेकिन मुझे लगता है सिलाई मशीन अच्छा है उन लोगों का। वो लोग हमें मूर्ख समझते हैं, कहीं इस तरह से बाहर निकल गए रोड पर कि हम मूर्ख हैं? हम मूर्ख नहीं है, हम पहले भी कह चुके हैं, गांधी की संस्कृति हमें जुड़ी है, सरदार के संस्कार, सरदार की बातें, सरदार के दिल की आवाज आज भी हमें जुड़ी हुई है। जिस दिन सरदार और गांधी ने बोल दिया ना कि बन जाओ भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, उस दिन बन जाएंगे हम। और इस दिन, उस दिन क्या होगा? उस दिन ये होगा कि खुशी लंका में रावण नहीं बचेगा, किसी लंका में रावण नहीं बचेगा।
सब लंका को जला देंगे। जहां जहां रावण पैदा हुआ है वहां कभी रावण पैदा नहीं होने देंगे। इस तरह का आंदोलन चला है। अब हमें जो हमारे एजेंडा है, 5 एजेंडा गवर्नमेंट के समक्ष, उसके अलावा 700 करोड़ भेज दीजिए या 7000 करोड़। 7000 करोड़ को 1.80 करोड़ के बीच में बांटेंगे तो 100-100 रुपए भाग में आते भाई। इस आंदोलन को सफल करने के लिए 217 रुपए का 3G रिचार्ज किया है, तो 100-100 रुपए कैसे हमें मालूम हो सकते हैं? 100-100 रुपए हमें खपते हैं? अरे भाई, एक व्यक्ति को 700 करोड़ दे दो ना, वो भी हमें नहीं खपते। हम तो सिर्फ 5 एजेंडा मांग रहे हैं। प्यार से दो, बुला के दो, आ जाओ मेरे भाइयों, ले जाओ तुम्हारे 5 एजेंडे, तो हमें लगेगा कि हमारे भाई ने अच्छा किया कि भतीजे का ख्याल रखा है। वरना ये भतीजे क्या कर सकते हैं वो इन सब लोग जानते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पटन 2017 में उखाड़ेंगे, हम 2017 में उखाड़ लेंगे। भाई अच्छा है, तुम लोग उखाड़ लो, हमें उखाड़ने की मेहनत नहीं रहेगी। भाई यहां पर बैठ जाओ ताकि किसी को परेशानी ना हो। ये तो हमारा स्वयं सेवक भाई सिंह की तरह है, चित्ते को बिठा रहा है। बैठ जा भाई, बैठ जा। और आज एक खुशी की बात ये है, स्वीकारना होगा कि आज तक हमने किसी समाज का विरोध नहीं किया और करना भी नहीं जानते, क्योंकि हमें हमारे हक के लिए निकले हैं। जब सूरत में 15 लाख लोग बाहर निकले, बारिश में निकले, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इतनी सारी जनता बाहर निकली है, आज गवर्नमेंट क्या कहेगी। मेरे तो गवर्नमेंट यही कह रही है कि सूरत में जो ट्रेलर दिखा है, अहमदाबाद में पिक्चर का रंग क्या होगा। और सूरत के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने जिस प्रकार से 6 घंटों की इस रैली में जिस प्रकार उन्होंने जो आयोजन किया था, आज वही सूरत लोगों को हमने बुलाया है, उनके लिए तालियों की हो जाए साथियों। उन लोगों का जो साफ सुथरा थी, पुलिस मित्रों को जो सहयोग दिया उन्होंने, वो भी एक काबिले तारीफ थी। अब बात है आरक्षण कब तक चलने देना है। जब आप कहोगे आज से बंद हम कर देंगे, कब तक चलवाना है? सही में वो 7000 करोड़ नहीं चाहिए हमें? नहीं चाहिए? जब आप कहोगे तब गवर्नमेंट से मिलेंगे, सही? हम भी वो केजरीवाल ने कुछ किया है ना, उस तरह तो करेंगे। हमने सबसे सीखा है, हमने मोदी साहब से भी सीखा है कि सोशल नेटवर्किंग पर अच्छा यूज करिए। सब लोगों ने कर दिया इतना, वो भी आज कुछ पछता रहेंगे, मैंने कहां पर सिखा दिया यार। ठीक है, और अगले दिनों में क्या करना है, हमें किस प्रकार आंदोलन चलाना है, वो जब आप कहोगे इस प्रकार हम चलाने के लिए तैयार हैं। हम पहले भी कह चुके हैं, 60 दिनों से घर से निकले हैं, किसी व्यक्ति के सीने पर गोली नहीं चलने दूंगा। पहली गोली मेरे सीने पर आएगी, बाद में तुम लोगों के सीने पर। इस आंदोलन के पहले शहीद हमारे गोल्डन भाई पेटलाद के थे, 67 की उनकी एज थी। इसी प्रकार मंच पर से सभी को कह रहे थे कि ओबीसी हमें क्यों, और उनका बिल के दौरा आने से उनकी मृत्यु हो गई। हमारे लिए वो एक संदेशा देकर गए कि मेरे इस शहीदा को, मेरे इस शहादत को निष्फल मत बनाना, उस शहीदा को हमें सफल बनाना है, चाहे उसके लिए हम खुद शहीद क्यों ना हो जाए। वो 65 साल के बूढ़े के लिए, वो बुजुर्ग के लिए हमें इस लड़ाई को लड़ना है। ये लड़ाई कोई मेरी, कोई एसपी जी की, कोई व्यक्ति की, किसी की नहीं है। ये लड़ाई आने वाले
भविष्य के लिए है। ये लड़ाई आने वाले व्यक्तित्व की है, ये लड़ाई आने वाले परिवारों की है, ये लड़ाई हम किसानों की है, ये लड़ाई यहाँ पर बता रहे सारे जनता की है। हमने किसी लोगों का विरोध इसीलिए नहीं किया क्योंकि हम खुद नहीं मांग रहे ये हक की लड़ाई, हम हमारे संतान हमारे समाज के लिए मांग रहे हैं। और इस लड़ाई को हम सही तौर पर सफल करेंगे, इतना विश्वास हम में है क्योंकि हम माँ उमा खोडल की संतान है। और माँ उमा खोडल ने जब जब हमें आशीर्वाद दिया है हम सफलता के मार्ग पर चले हैं। माँ उमा खोडल के कार्यक्रम में 15 लाख या 10 लाख लोग आते हैं। आज किसी ने इसकी नोंद नहीं ली थी, आज पूरा हिंदुस्तान इसकी नोंद ले रहा है क्योंकि आज हर एक व्यक्ति भगत सिंह है, हर एक व्यक्ति सरदार है, हर एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद है, हर एक व्यक्ति श्री राम है, हर एक व्यक्ति लव कुश है और सभी लोग आज अपना हक मांगने निकले हैं। हमने पहले भी बोला जीएमडीसी ग्राउंड कूलिंग ग्राउंड तो है ही नहीं, फिर भी लोग कह रहे हैं कि आपको शौक हो रहा है आंदोलन चलाने का। 1985 में और 1919 में आंदोलन हुए, अच्छी तरह से चले, एक भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। क्यों? बुर्जुक चला रहे थे, पॉलिटिकल राजनीति के वजह से चला रहे थे। आज 55 दिनों में इस आंदोलन को सफल किया है क्योंकि ये युवा क्रांति चला रही है, युवा शक्ति चला रही है। सरकार भी बहुत होशियार है, सरकार भी मिलने को किसको बुलाते हैं? समाज के आगेवान को, समाज के मरीज को। वो जाएंगे तो पता है कि कदाचित कुछ मान ले वो लोग, और इन युवा को भेजे तो क्या होगा? नहीं भाई, हम तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमें तो सही हक दे दो, भतीजा मान जाएगा। इसलिए युवा को भेज ही नहीं रहे, युवा को कोई नहीं भेज रहा, और वो भी कौन सा चक्की दे, युवा को खुद नहीं बुला रहे। अगर आप बातें करते हो कि युवा इस देश का भविष्य है, युवा इस हिंदुस्तान का और पूरे विश्व का नक्शा बदल सकता है, तो आज इस युवा को उसके हक की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आज इस युवा को जरूरत है तुम लोगों की, तो सहकार क्यों नहीं दे रहे हो? हम मांग रहे हैं हमारा सहकार, मेहरबानी कीजिए। हमने बहुत विकास किया है, विकास के नामों पर सबसे वोट भी हम लाए हैं, फिर आज हमारे विकास की बात है, हमें सहयोग कीजिए। मित्रों, आप जिस तरह से पूरे ग्राउंड में पूरे रोड पर निकले हो, इसी तरह से अपना जोश बरकरार रखिए, हमें लास्ट मोमेंट तक इस आंदोलन को ले जाना है। जब तक हमारे हक की बात नहीं आएगी ना, हम इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। चाहे इसमें से किसी को सीएम पद का कर दो, हमें सीएम नहीं बनना। किसी को एमएलए पद कर दो, हमें एमएलए नहीं बनना। किसी को संसद सभा का पद कर दो, हमें वो भी नहीं बनना। अगर आप कहोगे वहीं से, अरे भाई तू तो सरदार है, तू तो सरदार बनने के लायक है, भाई हमारे साथ बैठ जा, उस दिन हम मारेंगे, क्योंकि हम सरदार है और सरदार हर घर सरदार है। एक बार मैं बोलूंगा जय सरदार, आप बोलेंगे हर घर सरदार। जबरदस्त ताकत होनी चाहिए। जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार। एयरटेल नो टावर, एयरटेल वाला ने तो एयरटेल वाले को भी थोड़ा प्रोडक्ट करते, वो भी माने कि भाई हमारे साथ है ये लोग।
पिछले एक महीनों से 55 दिनों से छह जुलाई से मंचारा शो की शुरुआत 127 रैली के साथ पूरे गुजरात तक पहुंच गया। सच बताऊं तो इस पॉलिटिशियनों का सबसे बड़े दुख किस बात का मालूम है? हम लेवा पाटीदार और खड़वा पाटीदार जो हो गए ना, वो उनको खोज रहा है। पिछले कई सालों से इस समाज एक जुटका दीवार पर चल रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। आज पहली बार लेवा पाटीदार और खड़वा पाटीदार इस तरह खुले में बन रहे हैं, भाई बनकर बंधु बनकर कहना है कि भाई तेरे बेटे के लिए हक मांगने आया हूँ, वो भाई कहना है भाई मैं तेरे बेटे के लिए हक मांगने आया हूँ। एक जुट संगठन शक्ति यहाँ पर खड़ी हो गई है और आज हमारे मरीज भी खुश हो गए कि यार 7 साल से मेहनत कर रहे थे, सफल नहीं हुए थे, आज मेरे बेटे ने वो काम कर दिया जब पूरा गुजरात आज तहस-नहस कर रहा है। उसके बहन बेटियों की बात करते हैं तो पिछले 55 दिनों में माँ और बहनों बेटियों ने बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है। आज जो भी बहन बेटियां या नहीं आई वो अपने घरों पर जाकर थाली को खंगाल रही है कि भाई हम भी यहाँ पर बैठे बैठे इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सब लोग बोल रहे थे हमारे मित्र भाई हमारी माँ बहन को तो लाओ यहाँ पर, हमने बोल दिया है कि झांसी की रानी हमारे माँ बहन है, हमारे माँ बहन की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आंख जाकर तो देखो सामने हमारी माँ बेटी को, सामने आंख निकाल कर नारद जैसे पाटीदार को बदल देना। किसी व्यक्ति किसी समाज का विरोध नहीं है, हमें हम पहले भी कह चुके हैं कि जो भी समाज हमें सहयोग करेगा, जो भी समाज हमें प्यार करेगा, वो समाज हमसे बहुत निकट है। आज इस समाज के गांव में उत्तर गुजरात के घरों में मालूम है अली पटेल को भी कि आज हमारे खेतों में हम ओबीसी वाले को हमारा खेत हम देते तो भाई इस खेत को तू खेल और तू अपना घर बार, हम प्यार देते हैं, भाई मानते हैं। आज तक पटेल ने कभी ने किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा नहीं किया, बवाल नहीं किया, लेकिन जिस दिन हुआ है कभी छोड़ा नहीं है हमने। हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं कि पाटीदार समाज मोटा भाई आवाज आ रहा है ना, उपाध्याय दिन बोला होगा भाई उड़ा के किया मातृभाषा क्यों देती रही आप भाई नेहवाला वाली था यहाँ पे, अगर नेहवाला भी आया तो नेहवाला वाली सभी जुए भाई मीडिया मित्रों ने भी मेरे हमारी नेहवाला वाली कर ले वालों को हमने सरकारें कर लोगे तुमने ओबीसी नो आपी सकिए हमें पढ़ करो आप सो तो प्रेमती रही सू न के पढ़ाई ये तो हमने आ रहे छोड़ना मैं क्या तब जाए सीखे वो छोड़ जाए कि मैंने को नहीं होना थी चार पूरा छोड़ा तो मैं दिख पे रहा है चार कोई डांट छोड़ा चार कोई डांट छोड़ा चार कोई डांट छोड़ा पाटीदार समाज हमने तुम्हारे साथ बोलना प्रयास करें तो आज पाटीदार समाज हमकी बात होती है आंदोलन अजा गुजरात में जत जय जनसन तू तेरे पहली सीट मेहमान माधी में जाए थी अमी लोगों ने खबर है कि मेहमाना जाएंगे तो पृथ्वी दर्द दर्द आते
न्यावड़ा जा गए तो पृथ्वी दर दर ताते सौराष्ट्र जा गए तो सीओ ने ट्रक ठाए सूरत मध्य गुजरात અને મારો ચરોતર જે દિવસે જાગે ને ચરોતર વાળા હાથ ઉદાર કરો છો હું મારા ભાઈઓ હા દરેક જગ્યાએ મેં જોડાયેલા तो हार्दिक पटेल को आप यहां पर सुन रहे थे और आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि हमारा हक दो नहीं तो हमें छीनना भी आता है। जहां से निकलते हैं वहीं क्रांति हम लोग करते हैं। पटेल समाज को उसका हक मिलना चाहिए। पटेल समाज ने कभी भी कोई बवाल नहीं किया है। हमारी लड़ाई जो है वो सिस्टम के खिलाफ है, किसी समाज में किसी के खिलाफ नहीं है।